प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। राज्यों को उद्योग में बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से नई झारखंड उद्योग प्रोत्साहन नीति लागू की गई है, जिनके लिए अनुदान उपलब्ध कराने के लिए 107 करोड़ के बजट का प्रस्तावित है। आईटी एवं आईटीई, बायोटेक्नोलॉजी इत्यादि क्षेत्रों में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप कैपिटल वेंचर फंड की स्थापना की गई है। 22 देश में प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की योजना अंतर्गत 6,000 युवक युवतियों को स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य है। आगामी वित्तीय वर्ष में नए हस्ताक्षर समूहों का निर्माण कर उन्हें कार्यरत करने के लिए मशीन उपकरण मद में अनुदान देने का प्रस्ताव है। साथ ही पूर्व से कार्यरत 120 प्राथमिक बुनकर समितियों एवं 133 हस्तकला समूहों को सुदृढ़ किया जाना प्रस्तावित है। हस्तशिल्प एवं हस्तकला का विकास के लिए रांची में झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिजाइन को आगामी शैक्षणिक सत्र में प्रारंभ करने का प्रस्ताव। नए तकनीकी आधार पर नए उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी, झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू करने का प्रस्ताव है। असेट रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन के माध्यम से रुग्ण उद्योग सिख इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए पैकेज तैयार किए जाएंगे। आगामी वित्तीय वर्ष 22 देश में उद्योग के लिए 339,25,00,000 रुपए का बजट प्रस्तावित है। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।